इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आज सबसे अहम खबर के तौर पर देखा जाए तो बारिश कुछ हद तक थमते नजर है। सुबह से सूरज का नजारा भी हुआ तो कुछ देर धूप भी महसूस की गई। कुल मिलाकर आज बारिश न के बराबर रही, लिहाजा कई इलाकों में पानी की सतह घटती नजर आई। पर बेलगाम जिला के अतराब में पानी आज भी बरकरार रहा और बहते पानी की रफ्तार भी तेज थी। कई जगहों पर सामाजिक खिदमत अंजाम देने वाली तंजीमों ने खाने के पैकेट तकसीम किया। खासकर अगर जिक्र किया जाए तो कल जिस कदर पानी निचले इलाकों में, खासकर अमन नगर, उज्जवल नगर, असद खान सोसाइटी, गांधी नगर, पंजी बाबा के घरों में पानी दाखिल हुआ था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनान ने आवाम को घरों से बाहर निकालने का काम अंजाम दिया। पुनः बेंगलोर हाईवे पर पानी आने की वजह से पिछले दो दिनों से हाईवे को बंद किया गया, लिहाजा हीरे बागेवाड़ी टोल नाके पर कई गाड़ियां, खासकर ट्रक टेम्पो रुकी हुई हैं। हीरे बागेवाड़ी के रहमत मस्जिद के जिम्मेदारान की जानिब से यहां पर हजार से भी ज्यादा लोगों के लिए खाने के पैकेट तकसीम किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाके जिस तरह पानी की जद में आए हैं, इसे देखते हुए 2019 की बाढ़ के नजारे याद आए। बेलगाम जिला का जायजा लिया जाए तो इस बाढ़ में 19,000 से भी ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम भी इसमें अपने खिदमत अंजाम दे रही है। बेलगाम जिले को बाढ़ का ज्यादा असर देखने को मिला, खासकर कृष्णा नदी के किनारे गांव आज भी खतरे के निशान पर है। बेलगाम शहर का राकस को पानी जखेरा ओवरफ्लो हुआ है तो मारकंडे, वेदगंगा, दूधगंगा, कृष्णा, घटप्रभा, मलप्रभा समेत दीगर नदियां भी उफान पर है। पिछले तीन दिनों की मुस्तकिल बारिश से गोखक फॉल्स पानी बहाव भी काफी तेज हुआ है। मौजूदा बाढ़ में कई लोगों की पानी में डूबने से मौत की भी खबर हासिल हुई। बेलगाम कोल्हापुर हाईवे के साथ बेलगाम एंगुरला सड़क भी बंद हो गई है। कल दूध सागर लैंडस्लाइडिंग की वजह से गोवा एक्सप्रेस कैसल रॉक के नजदीक रुकी हुई थी। एक डिब्बा भी पटरी से खिसक गया था, जिसे आज ठीक किया गया। बारिश की रफ्तार आज रुकने से डीसी बेलगाम ने कहा कि इंतजामिया किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है, लिहाजा आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। कल बरोज इतवार वजीर आला येडियुरप्पा बाढ़ का हवाई जायजा लेने के लिए तशरीफ ला रहे। सुबह 10:30 बजे बेलगाम हवाई अड्डे पर दाखिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे डीसी बेलगाम और जिलाई वजीर के साथ राहत कैंपों का दौरा भी करेंगे और 4 बजे फिर बेंगलोर रवाना हो जाएंगे। खैर, वजीर आला की कुर्सी पर बैठे येडियुरप्पा का शायद आखिरी दौरा तो नहीं, ऐसी भी चर्चा जारी है, क्योंकि वाजा रहे येडियुरप्पा को 26 जुलाई को इस्तीफा देने की अटकलें भी लगाई जा रही है। खैर, बारिश का रुकना एक तरह की राहत ही कह सकते हैं, पर इस बाढ़ में कुछ और भी बातें नजर आई और कुछ बातें नजरों से ओझल होती भी दिखाई दी। इसकी असल वजह यह है कि खासकर बेलगाम शहर और अतराप में जब भी बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, कई तंजीमें, इदारे सरगर्म होते हैं, पर इस बार नजर नहीं आए। इसकी वजह भी सबसे बड़ी यह रही कि मर्ज कोरोना और लॉकडाउन, क्योंकि अक्सर इदारे तंजीमों ने अपना सब कुछ इस वबा के वक्त लगा दिया। दिन रात मेहनत की, ऑक्सीजन, बेड, दवाइयां, कोविड केयर सेंटर्स बनाए, लिहाजा अब ऐसे वक्त में एक बार फिर इदारों के लिए कुछ हद तक मुश्किल होता महसूस किया जा रहा है। यह सच्चाई भी है कि हर फर्द अपनी कुव्वत इस्तेआत के मुताबिक खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहा है और खासे इदारे तंजीमों को तमाम माशरे की जानिब से हिम्मत अफजाई भी करने की जरूरत है। खासकर बेलगाम शहर की यह तहजीब रही है कि बेलगाम की तो बात दूर, केरला, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि गुजरात जलजले में भी जाकर बेलगाम वालों ने मदद का हाथ बिठाया था, और यही इस शहर की खासियत है। यहाँ के लोगों में यह इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। यकीनन हालात आते हैं तो इसमें कुदरत का बड़ा दखल रहता है, और जब बारिश का कहर नाजिल होता है तो बाढ़ में सब कुछ बह जाता है। जिंदगी भर का सरमाया लम्हों में खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि खिदमत खल्क का जज्बा यूं ही जारी और सारी रहे। कोविड हो या लॉकडाउन में तकरीबन अवाम की मईशत हाशिए पर पहुंच चुकी है, लिहाजा उम्मीद करते हैं कि बारिश रहमत बनकर ही बरसे। जहमत उठाने की ताकत अब अवाम के अंदर नहीं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।